लोकसभा निर्वाचन 2024 के द्वितीय चरण के लिए लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में नाम निर्देशन दाखिल करने की तिथि 28 मार्च से प्रारंभ हो चुकी है। द्वितीय चरण के लिए आज नामांकन का चौथा दिन है, जहां पर द्वितीय चरण के लिए 35 अभ्यर्थियों से कुल 63 नामांकन प्राप्त हुए हैं। दूसरे चरण के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित निर्वाचन नामावली नामांकन की अंतिम तिथि 4 अप्रैल को फ्रीज की जाएगी। द्वितीय चरण में मतदान हेतु मतदान केंद्रों की कुल संख्या 6,567 है, जिसमें से 2 सहायक मतदान केंद्र सम्मिलित हैं। द्वितीय चरण के मतदान के लिए 848 से वृद्ध और 494 दिव्यांगजन और अनिवार्य सेवा के लिए 153 मतदाताओं के प्रारूप पत्र के माध्यम से मतदान करने की सुविधा दी गई है। इस दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में कुल 249 शिकायत प्राप्त हुई थी, जिनमें से 173 पर कार्रवाई की गई है तथा 74 शिकायतें ड्रॉप की गई हैं। बात है उसमें कैश हमने 9.25 करोड़ रुपए जमा किए हैं, प्राप्त किए हैं, जब्त किए हैं, और लीटर 25,774 लीटर जिसकी राशि है 61,00,000 रुपए। ड्रग्स नारकोटिक्स 973.74 केजी जिसकी कीमत लगभग होगी 1.69 करोड़ रुपए। प्रीशियस मेटल्स में 24.16 किलो हमने जब्त किया है जिसकी राशि 1.64 करोड़ रुपए होगी। अदर सीजर्स जो हुए हैं प्रीवियस इत्यादि के वो 17.83 करोड़ हैं। इस तरह से टोटल सीजर की जो वैल्यू है वो 31.01 करोड़ के आसपास है।